हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर रहे हो यानी कि इंस्टॉल कर रहे हो तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ जा रही है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, वेरीफाई परचेस विथ फिंगरप्रिंट और फेस इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है और आपका प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इसे आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। इसे ठीक करने से पहले फ्रेंड्स, हम ये जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है प्ले स्टोर में किसी भी ऐप को डाउनलोड करते टाइम। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, एक नया फीचर है। पहले आईफोन में हुआ करता था कि आप आईफोन में जब किसी ऐप को डाउनलोड करते थे तो वहाँ पर आपको अपना स्क्रीन लॉक देकर ओपन करना पड़ता था, तभी ऐप आपका आईफोन में डाउनलोड होता है। वही सेम फीचर आपको अब एंड्रॉयड फ़ोन में देखने को मिल जा रहा है। आपके गूगल प्ले स्टोर में किसी भी ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो आई एग्री के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करके आप अपना फिंगरप्रिंट या फेस लॉक, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर लॉक लगाए रहेंगे अपने मोबाइल के, आप जैसे ही यहाँ पर देंगे फ्रेंड्स, आपके फ़ोन में आपका ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक फीचर है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, ये एक सिक्योरिटी के मामले में गूगल प्ले स्टोर ने एक नया अपडेट लाया है जिसकी मदद से आप इसका यूज कर सकते हो। यानी कि अगर सिक्योरिटी के मामले में बोला जाए तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है कि अगर आप कोई भी आपके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का प्रयास करेगा तो आपके बिना फिंगरप्रिंट या फेस लॉक स्क्रीन लॉक ऐप डाउनलोड नहीं कर सकता आपके प्ले स्टोर से। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।